हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको मैथ्स की हिंदी मीडियम में एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है, सेशन 2023 टू 24 की, है ना। इस बुक में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन 18 तक कंप्लीट करा दिए थे, वो क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करा रही हूँ। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री के शूनांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसके शूनांक निकालने हैं। तो जब आपको इसके शूनांक निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक एक बार इनको डायरेक्ट जीरो के इक्वल रख के इनके शूनांक निकाल सकते हो। तो पहले वाले को रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा, दूसरे वाले को जीरो के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी, तीसरे वाले को जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का थ्री। तो शूनांक आ गए यहाँ पर से, एक जीरो आया, एक टू आया और एक माइनस का थ्री आया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स को एक्स माइनस थ्री से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर आप इस पूरे बहुपद को x माइनस थ्री से भाग करते हो तो आपका शेषफल क्या आएगा वो बताना है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप चाहो तो ऐसे पूरा डिवाइड करके कर सकते हो और शेषफल निकाल सकते हो। ऐसा आपको डिवाइड नहीं आता बहुपद में तो कोई बात नहीं, आप पहले यहाँ से x का मान निकाल लो जो कि थ्री आ रहा है। अब आप इसके अंदर x का मान रख दो, यहाँ थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ थ्री यहाँ सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, एटीन माइनस ट्वेंटी वन माइनस सिक्स, ठीक है। अब आप चाहो तो एटीन में से ट्वेंटी वन को माइनस कर लो तो आपके पास आ जाएगा माइनस का थ्री और ये हो जाएगा माइनस का सिक्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का नाइन आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, कई बार पीछे आंसर्स गलत होते हैं तो इसका आंसर पीछे भी आपको कुछ और दे रखा है, पर आप अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग करना, जो आपका आंसर आएगा वही सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 21 में कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने हैं किसके, एट एक्स क्यूब प्लस रूट ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब है। देखो सबसे पहली बात तो आप रूट ट्वेंटी सेवन को क्या लिख सकते हो, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो इसको मैं थ्री रूट थ्री लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब एट एक्स क्यूब को मैंने लिख दिया टू एक्स का होल क्यूब, क्योंकि टू का क्यूब क्या होता है आपके पास एट, और एक्स का क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब। अब मैंने यहाँ पर रूट ट्वेंटी सेवन को लिखा थ्री का क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो रूट थ्री वाई का क्यूब, क्योंकि अगर आप रूट थ्री का क्यूब करोगे मतलब उसको आप तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, थ्री रूट थ्री, और यही आपने रूट ट्वेंटी सेवन की वैल्यू निकाली है ना। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली सर्वसमिका बन रही है, जो मेरे पास क्या होती है ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होती है, यही होती है। तो इसका मतलब a प्लस बी हो जाएगा टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई, ए स्क्वायर मतलब टू एक्स का स्क्वायर तो फोर एक्स स्क्वायर, ए इंटू बी मतलब टू एक्स इंटू में रूट थ्री वाई, बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री वाई का स्क्वायर तो थ्री वाई स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये आपके गुणनखंड हो गया। क्लियर है क्वेश्चन 21। चलिए आज की क्लास में तीन क्वेश्चन हो गए हैं, 19, 20 एंड 21। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप साथ साथ करते रहिए। डेली बेसिस पे इस चैनल पे हिंदी मीडियम की वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैप्टर वन एंड चैप्टर टू की, ताकि दोनों चैप्टर आपके साथ साथ चलते रहें। इसके अलावा जो उनसा चैप्टर करना है एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जैसे ही कोई सा भी एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद वही चैप्टर शुरू हो जाएगा चैनल। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि
इस चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशंस अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। थैंक यू।